बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी हस्ती, एक ऐसे नौजवान जो दूसरे नौजवानों के लिए जो है वो सबक का बायस हैं। तो कुछ अर्सा पहले ये बैरिया में काम करने के लिए आए थे और यहाँ पे इनको काफ़ी टाइम हो गया काम करते हुए। तो इनसे पूछते हैं इनकी लाइफ स्टोरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जानते हैं जी मिस्टर तनवीर से, कैसे हैं जी आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। अच्छा, पहले सबसे मुझे ये बताएं कि आपको कितना अर्सा हो गया है बैरिया में काम करते हुए? बैरिया में तकरीबन हो गए 10-11 साल। 10-11 साल, और 10-11 साल में आप कौन सा काम कर रहे थे बैरिया के अंदर? बैरिया के अंदर प्लाजे के ऊपर मसलन किराया शायद इकट्ठा करना, परचूनीदार जिया होता है इस तरह। अच्छा अच्छा, तो आपकी शादी हो गई आपकी? जी माशाल्लाह, शादी 2021 में मैंने की थी। अच्छा, 2021 में शादी हुई थी। तो कैसी जा रही है आपकी लाइफ? माशाल्लाह अच्छी जा रही है। पहले 2021 में पहली शादी की है, उसके बाद 6 माह गुजरे, उसके बाद फिर दूसरी शादी मैंने कर ली है। तो माशाल्लाह अच्छी जा रही है। आपकी 2 शादियाँ? जी जी, 2 शादियाँ माशाल्लाह। इधर लोगों की एक नहीं हो रही, लोग रो रहे हैं, और इधर देखें आप, इनकी 2 शादियाँ और दूसरी शादी आपकी कैसे होगी? आपकी दूसरी शादी, आपकी वैसे मंथली इनकम क्या है? इनकम कोई भी नहीं है माशाल्लाह, तकरीबन है 20-25 हज़ार महीना कमा लेता हूँ। नॉर्मल सैलरी है मेरी, प्लाज भी होता था। तो उसके बाद आज मैं भेकिया चला रहा हूँ, तकरीबन 1-2 महीने हो गए। 20-25 हज़ार में आपने 2 बैग में रखी हुई हैं, उनका कैसे गुजारा होता है? बस शुक्र है, कर जाती हूँ घर का खर्चा, सामान वगैरह छोड़ देता हूँ। नहीं तो आपने पहली शादी कहाँ से की थी? आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से। अच्छा अच्छा, और दूसरी शादी? दूसरी शादी गुजर खान से की है। अच्छा अच्छा, गुजर खान से। तो अभी जो है वो आपकी एक बेगम कश्मीर में है? नहीं नहीं, इधर इकट्ठी हैं दोनों, अपना घर बना हुआ है सांग वाली साइड पे। वाओ, ये मंदरा चकवाल नहीं है? जी जी जी, इस साइड से। नहीं, आपने दोनों बीवियां इकट्ठी भी रखी? जी जी, इकट्ठी रखी हुई है माशाल्लाह। तो ये कैसे मुमकिन हो गया? बस मुमकिन, जो करना चाहे तो वो कर सकता है, क्यों नहीं। नहीं तो आप ये बताएं कि दोनों मतलब इकट्ठी रहती हैं तो वो आपस में एक दूसरे से लड़ती नहीं, और दूसरी शादी आपने कैसे कर ली? जो पहली, थोड़ा सा इसका भी बताएं। जो पहली वाइफ है ना मेरी, उसने अपनी मर्जी से मेरी शादी कराई है दूसरे, वो उनके भाई की शादी थी। इस जैसी बीवी सारे अनुभव। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो फिर घर गई, उसने बोला यार पहले मेरी मंगनी में थोड़ा मसला परेशानी थी ना, 5 साल मंगनी रही है। अच्छा, फिर क्या हुआ जी? फिर पहली शादी की थी, उसके बाद इधर ले आए पिंडी अपने घर है, इधर गुजर खान वाली साइड। अच्छा अच्छा, उसके बाद फिर 6 महीने मेरी पहली शादी हो गई थी गठिया, उसके बाद नाल पड़ोसी हैं जिंदे उत रहने, मसल नाल जो पड़ोसी घर वाले, उसके भाई की शादी आई उत गई। फिर उसने आख्या यार कभी तेरी शादी ना हो तो उस नाल मेरी शादी हो जावा। उसने आख्या यार तेरी शादी हो नहीं तू कर ले, कड़ा मसला परेशानी है। फिर आगे मेरे नाल गल की थी, बस इसने चलते चलते फिर भाई तक गल पहुँच गई। आपकी शादी आपकी बेगम ने कराई है? जी जी जी, मेरी बेगम ने कराई है। उसके बाद फिर माशाल्लाह नसीबों की बात होती है, सारी सारी गल नसीबों नहीं होती है। नसीब चाहे थे पहला चाहे हम तीसरी शादी भी रब दो दो अभी क्यों बिच। अच्छा जी, अच्छा जो स्टोरी मुझे समझ आई है वो ये थी कि पहली जो बेगम थी उसकी जब शादी हो गई, 6 महीने गुजर गए, तो ये लोग अपने मोहल्ले में ही एक पड़ोस में एक शादी में गए, वहाँ उन्हें एक और लड़की नज़र आई, और उस लड़की के साथ भी जो है वो इसकी इनकी जो पहली वाइफ थी उसने इनकी दूसरी शादी करा दी। क्योंकि वो दोनों आपस में सहेलियाँ बन गई थी, तो उन्होंने कहा कि चलो हम जो है वो इस इनकी बेगम ने कहा कि मैं उस लड़की की शादी भी जो है वो दूसरी अपने मियाँ से करा देती। इस तरह ही हुआ जी? बिल्कुल। अच्छा, ते हुण लाइफ कैसी गुजर रही है तुम्हारी? माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है, 3 साल हो गए, 2021 भी शादी हुई है सर। अच्छा अच्छा, तो अभी आपके बच्चे हैं? हाँ, पहली बेटी है मेरी। अच्छा, पहली बेटी है। दूसरी अल्लाह पाक उम्मीद लाई हुई है, देखो रब दी जात है देने वाली। अच्छा अच्छा, देने वाली हुई, देने वाली हुई। तो आगे आपका क्या इरादा है, कोई तरीक करने का इरादा तो नहीं है? फिलहाल तो मेरा इरादा तो है, देखो अजन घर वाले नहीं पता, फिर देखते हैं उसके बाद जो है ना कभी
ਚਾਹੇ ਮਨ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਕਰਸਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਂ ਪੰਜੀ ਨਹੀਂ ਤੀਸਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਸ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੱਖ ਸਾਂ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਚਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ यार इधर हमने बहुत तगड़े तगड़े लोग देखे हैं जो बहुत अमीर घरानों से हैं लेकिन वो अपनी पहली करने को तरस रहे हैं। इधर भाई की दो हो चुकी हैं, तीसरी का इरादा बनाया हुआ है। और तीसरी पहले ये बताओ कि लोग वालदैन की मर्ज़ी से करते हैं तो आप बेगम की मर्ज़ी से करेंगे? बस वालदैन वालद नहीं थी ना वालदा थी ना वालदा थी उसके बाद बस पहली वाली नाल शादी हुई है मेरी लव मैरिज शादी हुई है मेरी पहली। अच्छा पहली आपकी लव मैरिज थी? जी लव मैरिज थी। तो दूसरी कैसी? दूसरी बस इतनी पसंद नहीं करनी जी बस खास बस थोड़ा बहुत ही जड़ा है ना सिस्टम खुशी ना शादी कोई मसला नहीं कोई जबरदस्ती नहीं। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप जो इस टाइम आपकी जॉब है आप कर रहे हैं या? इस वक्त फिलहाल नहीं है मेरी जॉब। फिलहाल जॉब नहीं है? फिलहाल बाइकियाँ चला रहे हैं सर जी। फिलहाल बाइकियाँ चला रहे हैं। अच्छा बाइकियाँ चला रहे हैं, बाइकियाँ चला के अपना घर चला रहे हैं, दो बीवियाँ रखी हुई हैं घर में और माशाल्लाह आपका सिस्टम जो है वो मेरे ख्याल से चल भी रहा है। लेकिन 25,000 में 30,000 में आपका गुजारा हो जाता है? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी रब की ज़ात है देने वाली, इसमें बंदा क्या कर सकते जो हमारा रब देवे थे वो दे भी सकते ना देवे थे वो मेरे रब का शुक्र है उस पर जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस हर बंदे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करनी चाहिए जो हमारा रब दें दे उसे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी जो तो अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता है ना उसका उसको ऐसे नसीब मिलता है। दो हैं थोड़े पे गुजारा कर रही हैं और ये फिर भी कह रहा है कि मैं खुश हूँ अपनी इनकम से। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। या अल्लाह सानू भी दो दे दे आमीन। इसकी दुआ लगेगी मुझे।